कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस जो है ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। संसदीय कार्य मंत्री का निशाना, कहा कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। हाल फिलहाल के बयानों को लेकर ये तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। आज की कांग्रेस नकली कांग्रेस है। गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे लोगों के साथ यही कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थे उनके साथ कैसे व्यवहार किया ये सब जानते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लेम करते हैं ना, ये जो स्वतंत्र सेनानी जो थे, स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लिए थे, वो सब हमारा ही है, ये बेसिकली दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट एंड रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग अप्रोच ऑफ द कांग्रेस पार्टी। Because this Congress is not an original Congress, it is an Italian Congress led by some other people. तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। देख, रबर स्टैम्प का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो ये हम strongly condemn करते हैं। Claiming on second. इधर भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चूहा और कुत्ता वाले बयान पर आज दिल्ली में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी खड़गे से माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे के बयान पर आपत्ति करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जोशी ने कहा कि ये नकली कांग्रेस है। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया, आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए। मैंने ये कहा, और ये मेरा सच नहीं है। तुम क्या किए उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से यू कांट हियर योर लीडर इवन बहुत दुर्भाग्य है। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया, एवरीवन विल बी हर्ड इन रेपुटेशन, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिस प्रकार एंड देयर वॉइस मस्ट बी हर्ड प्लीज। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया,
उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली, उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूँ सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, ब्रीफ ब्रीफ बिहेवियर ब्रीफ और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूँ, उनकी माफी मांगता हूँ। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था आजादी के बाद, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को, गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। तो यहां पर पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साध रहे थे, वहीं इस बयान को लेकर कई और भी नेता हैं जो लगातार निशाना साध रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं किरण रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जो भाषा इस्तेमाल किया आप सोच के देखिए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है, इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है, इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं, लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है, ऐसे बात और इस तरह का जुबान इस्तेमाल करने से हमारा छवि बहुत खराब होता है। तो आपको बता दें कि यहां पर बयानों का दौर जो है वो लगातार जारी है और खड़गे का वो बयान जिसकी वजह से बीजेपी उन पर हमलावर है, वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इसी बयान को आधार बनाकर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बयान दिया गया, जिसके बाद बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है और कह रही है राजनीति का स्तर ऐसे बयानों से गिर जाता है। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है, बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। तो ये चूहा और ये कुत्ता यही सब विवाद की वजह बनी और इस तमाम बयानों को आधार बनाकर बीजेपी उनसे सदन में जवाब या माफी की मांग कर रही है। खैर अब बात करते हैं एक और विवादित बयान की। कांग्रेस के नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया। अजय राय ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी के सांसद रहते अमेठी में विकास ठप पड़ गया है, वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली है। स्मृति ईरानी केवल आती है लटके झटके देकर चली जाती है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। ये अजय राय जो यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और 2014 के बाद 2019 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। सोनभद्र में अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का दावा किया, साथ ही अमेठी में कई उद्योगों के ठप होने का आरोप लगाया, लेकिन जुबान भटकी और एक महिला के लिए जो शब्द निकले वो तमाम मुद्दों पर भारी पड़ गए। तो गांधी परिवार की सीट है, वहां से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे, हम जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है लगभग जहां लोगों ने उस वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं लटके झटके देकर चली जाती हैं, वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। इस बयान के सामने आते ही अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया
उन्होंने लिखा, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या अमेठी से आपका लड़ना पक्का समझो? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं? इस ट्वीट के नीचे उन्होंने नोट में लिखा, आपको और आपकी मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नए स्पीच राइटर की जरूरत है। अमेठी में राहुल गांधी को लड़ने की चुनौती देने के बाद अगली सुबह स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया। जहां तक 2024 में अमेठी से चुनावी जंग की बात है, तो अजय राय के बयान ने अभी से माहौल गर्म कर दिया है। 2019 की बात करें तो राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पर लड़ा था। अमेठी के अलावा वो केरल के वायनाड से भी कांग्रेस उम्मीदवार थे। वायनाड से उन्होंने 4,31,770 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। राहुल गांधी के लिए यह हार बेहद शर्मनाक थी। अब अजय राय ने अमेठी से 2024 के लिए उनके नाम का डंका बजा दिया और उनके साथ ही वाराणसी से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया है। ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं योगी को और स्मृति ईरानी को। हमारा चैलेंज स्वीकार करें। जिस तरह से आप चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या सही में बनारस सीट आप जीत? आप देख लीजिए, उठाकर परिणाम देख लीजिए। मोदी जी जब 2014 लड़े थे तो उस समय मैं वहाँ पे 76,000 पाया था, 76,000। जब प्रधानमंत्री बनकर लड़े 1,54,000 वोट में पाया। तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना, कह तो रहा हूँ मैं चैलेंज दे रहा हूँ तो मैं लड़ूंगा। वाराणसी या अमेठी में 2024 में क्या होगा ये भी दूर की बात है, मगर मुद्दों की बात करें तो एक बार फिर कांग्रेस ने अपने नेता की भटकी जुबान से बहस को असल मुद्दों से भटका दिया है। अगर अजय राय की शिकायत अमेठी में उद्योगों के बंद होने को लेकर थी, तो वो स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी किए बिना भी उसे पुरजोर तरीके से उठा सकते थे। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री हो, खड़गे या फिर अब अजय राय, भटके जुबान से कांग्रेस को झटके दिलाने में उनका कोई जोर नजर नहीं आ रहा आज तक। ब्यूरो। अजय राय के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा का भी एक विवादित बयान सामने आया। पवन खेड़ा से जब स्मृति ईरानी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, भगवान का नाम। कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा एक जगह चल रही है, दूसरी ओर एक और घमासान मच गया अमेठी को लेकर। आपके ही यूपी में नेता है अजय राय जी, उन्होंने कमेंट किया, उसमें उन्होंने कुछ कहा, जिसके बाद जो है स्मृति ईरानी ने बैक किया। उन्होंने ये तक कह दिया राहुल जी पर, सोनिया जी पे हमला बोलते हुए कि मिसोजिनिस्टिक वूंड्स। सुबह सुबह भगवान का नाम लीजिए, कहाँ स्मृति ईरानी जी का नाम ले रही हैं आप, लीजिए मैं तो नहीं लूंगा। ये सुबह से शाम तक स्मृति ईरानी जी को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी का अगर नाम नहीं लेते तो खाना हजम नहीं होता, नींद नहीं आती। हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें है वो अपनी बीमारी का इलाज कराएं। पर जिस तरह की वो कमेंट पे बोल रही है उस पर आपको क्या कहना है? बीजेपी आप पे हल्ला बोल रही है, अजय राय जी इतनी हल्की बात है? उनको कहिए अपने मंत्रालय में थोड़ा काम कर लें, जो उनका कारोबार चलता है उसमें थोड़ा ध्यान लगा लें। क्या इसमें लगी हुई है ये सुबह से शाम? मेरा आखिरी सवाल है अमेठी को लेकर, अमेठी के बारे में वो कहने आई है, लड़िए या से कह रहे कि अजय राय जी ने कहा कि लड़िए राहुल, ये तो देश स्वतंत्र है ना, जिसको जहाँ से लड़ना है वो लड़ सकता है, कोई रोक सकती है क्या वो किसी को लड़ने के लिए? वो आए राजस्थान में जहाँ से लड़ना चाहती है, आए, कौन रोक रहा है उन्हें? कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान के अलवर में है, जहां राहुल गांधी ने कल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अकेले में बैठक की। इस मीटिंग में सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन हफ्ते पुरानी ये तस्वीर है। राहुल गांधी के नुमाइंदे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हाथ थामकर कुछ इस तरह दोनों के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया था। इस कवायद के पीछे कोशिश थी कि राजस्थान में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर आएं तो कांग्रेस के सारे नेता जुड़े हुए दिखें। कल रात इस तस्वीर की अगली कड़ी सामने आई। भरतपुर के सर्किट हाउस में राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के साथ करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बात की।
गुपचुप बातचीत की खबर जैसी ही सामने आई, राजस्थान कांग्रेस में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। बताया जाता है कि इस गुप्त मंत्रणा के दौरान उनके कमरे में सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह को जाने आने की इजाजत थी। बातचीत का मुद्दा क्या था ये तो मीडिया को नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों नेताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो इस पर भी चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद राहुल जब निकले तो सिर्फ इतना कहा, जब से सचिन पायलट सीएम की रेस में गहलोत से पिछड़े, दोनों के बीच रुक रुक कर तनातनी की खबरें आती रहती हैं। जब गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात कही जा रही थी, तब पार्टी आलाकमान की तरफ से सचिन पायलट की ताजपोशी की कोशिश हुई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने बागी तेवर दिखाकर पायलट की ताजपोशी नहीं होने दी। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि पायलट पर खुलकर गद्दार होने का आरोप लगा दिया गया। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। कहीं इस झगड़े का साया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ना पड़े, लिहाजा दोनों के बीच सुलह कराई गई, दोनों से बाकायदा बयान दिलवाया गया। और राजस्थान सब एक झूठ है, मैंने आपको कहा कल, राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, सम्मानित नेता है, एसेट है। एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर वन कह देता कोई आदमी, नंबर टू कह देता, नंबर थ्री कह देता, और ये हमारे नंबर वन टू थ्री है ही नहीं। सवाल उठता है कि बंद कमरे में ये मुलाकात उसी समझौते की अगली कड़ी थी? क्या गहलोत को सीएम पद पर जीवनदान मिल गया है? क्या सचिन पायलट को फिर समझा कर मना लिया गया है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। भरतपुर से संतोष शर्मा के साथ शरद कुमार आज तक। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश खोले हत्याकांड आपको याद होगा, अब इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अदालत में दायर चार्जशीट में दावा किया है कि उमेश खोले की हत्या के आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। एनआईए के मुताबिक 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या एक वेल प्लान्ड आतंकवादी घटना थी और पूरी तरह साजिश रचकर उमेश का गला सरेआम काटा गया था ताकि समाज में दहशत फैलाई जा सके। मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिब राशिद, यूसुफ खान, अब्दुल अरबाज, मुशफिक अहमद, शेख शकील और शहीम अहमद, ये वो 11 नाम हैं जिन्हें लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच से ये पता चला है कि अमरावती में उमेश कोहली की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी आतंकवादी साजिश थी और उसी साजिश के 11 किरदार अब जांच एजेंसी के जाल में फंस चुके हैं। एनआईए की चार्जशीट में क्या है? एनआईए ने 5 महीने की मेहनत, 170 गवाहों की पड़ताल, दर्जनों सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के सहारे की गई तफ्तीश के बाद ये चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जो 5 बड़ी बातें हैं उसके मुताबिक उमेश कोहले की हत्या साजिश के साथ रची गई एक आतंकवादी वारदात थी। इरफान खान नाम का आरोपी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो इरफान खान तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है। हत्या से एक दिन पहले हत्यारों के गैंग की गौसिया हॉल में एक मीटिंग हुई थी और वहीं प्लान बना था कि उमेश कोहले की हत्या की जाएगी। आतंकवादी गैंग का मकसद उमेश कोहले की हत्या करके समाज और देश में दहशत फैलाना था। आतंकवादी गैंग ने सरतन से जुदा नारे से प्रेरित होकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी कौन है? जांच एजेंसी की तफ्तीश में पता चला है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान खान नाम का युवक है।
इरफान खान के बारे में पता चला है कि वो तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है और अमरावती में इसने एक एनजीओ के जरिए लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू की थी। इरफान खान का नाम यही आरोपी उमेश कोल्हे की हत्या से 10 दिन पहले अमरावती के स्थानीय पुलिस थाने पहुंचा था। तब उसके साथ मुशफिक अहमद और तबलीगी जमात के कुछ दूसरे सदस्य मौजूद थे। इन लोगों ने बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। तब पुलिस ने एक ही केस में मल्टीपल केस दर्ज करने से मना किया था। कैसे रची हत्या की साजिश? एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर इरफान खान ने अपने गैंग के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय की बैठक बुलाई थी। इसके बाद पुलिस ने सबको समझाया था कि उस मामले में पहले से ही केस दर्ज हो चुका है, इसलिए एक ही गुनाह की शिकायत के लिए मल्टीपल एफआईआर नहीं की जा सकती। लेकिन इरफान खान और उसका गैंग इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसी बीच उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक व्हाट्सएप पोस्ट डाला। इसके बाद उमेश कोल्हे की हत्या से एक दिन पहले आरोपियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। अमरावती के गौसिया हॉल में हुई इस मीटिंग में उमेश कोल्हे की हत्या का फैसला किया गया। उसी वक्त हत्या के लिए गैंग डिसाइड हुआ। उसी मीटिंग के बाद उमेश कोल्हे के अलावा तीन और लोगों को इस गैंग ने धमकी दी थी। फिर 21 जून की रात जैसे ही उमेश कोल्हे अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे तो रात करीब 10:30 बजे बीच सड़क पर दो बाइक सवार हथियारों ने धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया था। इस घटना के बाद कई जगहों पर दंगे जैसे हालात हुए थे और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के दर्जी की भी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल एनआईए ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ यूपीए के अलावा आईपीसी की धारा 302, 341, 506, 201, 153 ए और 120 बी के तहत चार्जशीट दायर की है। एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि उमेश कोल्हे की हत्या कट्टरपंथी विचारधारा के तहत समाज में दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। अमरावती से विद्या के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। इधर 21 जून को अमरावती में जब उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी तो पहले इसे पैसों के लेन देन में वारदात के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन जब पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जुलाई महीने से इसकी तफ्तीश तेज कर दी। इस तफ्तीश में हत्या के आरोपियों का तबलीगी जमात से कनेक्शन सामने आया। एनआईए की चार्जशीट पर तबलीगी जमात की ओर से क्या बयान आता है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने इस बड़े मसले पर क्या कहा है पहले सुनते हैं। हमारे साथ अमरावती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है नवनीत राणा। मैम, जो एनआईए की चार्जशीट है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या क्या अभी जो भी चार्जशीट आई है, हैव यू सीन इट? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें यही बताती हूँ आपको कि जब हमने ये आवाज उठाई थी तो हमारे जो अमरावती के सीपी और महाविकास अघाड़ी इसे कुछ और डायरेक्शन दे रही थी, और जब ये अलग डायरेक्शन ये दे रही थी कि ये चोरी का मामला है, और जब ये चोरी का मामला बताया तो हम जाके उनके परिवार से मिले, उनके भाई से मैंने कांटेक्ट किया, फोन पे बात किया कि ये क्या इंसिडेंट, आपको क्या लगता है ये कहीं इनकी दुश्मनी थी, कहीं किसी से राइवली थी इनकी जो इस तरीके से उनको मार दिया गया? तो उन्होंने बोला कि वो एकदम सिंपल सादे सरल व्यक्ति थे कोल्हे, तो उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब ये चीज़ हमें पता लगी और उसके बाद इमीडिएटली उदयपुर में जो टेलर के मार दिया गया, जब वो इंसिडेंट इतनी स्पीडली बाहर आया तब जाके फिर मैं अमरावती में उनके परिवार से मिली, और इमीडिएट जब मैंने उनसे बात करने का इमीडिएट गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को ये निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट इससे इसको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जब जैसी जांच होने लगी तो वन बाई वन वो क्रिमिनल पकड़े जाने लगे। मुझे लगते हैं ये सब प्यादे हैं, पर इनका जो प्रमुख है, जो ये देश में उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके ये हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की एक पोस्ट वायरल करने पे इतना बड़ा क्राइम करके किसी की व्यक्ति की जान लेना, तो मुझे लगता है ये जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं इनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सीधा फांसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा विचार अपने सपने में भी नहीं ला सके। फंडामेंटल बेसिस इसकी अगर बात की जाए, अगर ये ब्रेन वॉशिंग की बात कह रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में एक आ गया कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या
प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारे नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेज किया हमारे महाविकास अघाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पे काम कर रहा है तो पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी अब वो वक्त नहीं रहेगा जब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी।